बगीचे से फूल तोड़ के भगवान के माथे पे टेक दिया, चरणों में रख दिया, और बढ़िया सुंदर सा हार बना के भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान को फूल से हार से कोई खुशी नहीं हो रही है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है भगवान को। क्यों? भगवान क्या कह रहे हैं जरा सुनो। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। सौ ग्राम दूध ले लिया, 3 लीटर पानी डाल लिया, कमंडल फुल भर लिया, आधा चम्मच शक्कर डाल दी, और शिवरात्रि में भोले बाबा को मनाने चले भगत। अरे बाबड़ो, इतनी बेईमानी तो चाय की दुकान वाला भी नहीं करता, वो भी थोड़ा बहुत दूध डालता है। तुमने तो 200 ग्राम में 3 लीटर पानी कमंडल भर के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पानी का दूध तेरी औलाद को चलता नहीं, और भगवान शिव जी पर दब पानी दब पानी। कैसे रिझाऊं मैं, कैसे मनाऊं मैं, कैसे रिझाऊं मैं, कैसे मनाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम्हें कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं मैं तुम्हें कैसे बनाऊं मैं। नहीं कोई वस्तु ऐसी, वस्तु ऐसी नहीं कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं, जिसे सेवा मिलाऊं मैं, नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं, जिसे सेवा मिलाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे बनाऊं। अरे सुनो तो सही, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले, काय चालू है ये बम बम भोले। हरिद्वार से कांवड़ ला रहे, गंगा जी ला रहे हैं शिवजी पर चढ़ाने के लिए। कावड़ में गंगा की बोतलें रखी है, शिवजी पर चढ़ाना, 1100 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अंडे की आमलेट खा रहे, रास्ते में गुटखा खा रहे, शराब पी रहे, बीड़ी पी रहे, बम बम भोले बम बम भोले। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल मछली का झूठा है, अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल मछली का झूठा है, अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल मछली का झूठा है, अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल मछली का झूठा है। और सुनो, झूठी दाल को तो जीजा साले भी नहीं खाते, तो भगवान कैसे ले लेगा? जीजा को मालूम पड़ गया कि इसका बच्चा खा गया, झूठा कर दिया, वो नहीं खाता। अगर मैं फूल चढ़ाता हूँ फूल भौरे का झूठा है, अगर मैं फूल चढ़ाता हूँ फूल भौरे का झूठा है, भला भगवान पे भगवान को क्यों कर चढ़ाऊं मैं, भला भगवान पे भगवान को क्यों कर चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान
कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिला हूँ मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिला हूँ मैं। देवी मैया खुश हो जाएगी, 108 दीपक जला के आरती करेंगे, देवी मैया खुश हो जाएगी, गणेश भगवान खुश हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दीपक जला के खुश करना है तो खाली मुझे कर सकते हो, देवी देवता इन चीजों से खुश होने वाले, क्योंकि वो आरती करने वाले के दिल में क्या क्या चीजें भरी पड़ी हैं वो उनको देखते हैं, वो दिए को नहीं देखते। हमारा चलता है, हमें फूल भी पसंद है, माला पसंद है, कपड़े पसंद है, रुपया पसंद है, सोना पसंद है। हाँ, मुझ पर सोना चढ़ाओ लाके 5 किलो में, बड़ा खुश रहूंगा, उससे मुझे बड़ा आनंद आएगा, पर भगवान को नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो जब से दुनिया बनी है तब से लोग सोना खोद रहे, पर वो कम होने का नाम लेता नहीं, इतना सोना छोड़ दिया ठाकुर जी ने, तो फिर वो काय को खुश होएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, उसके दीपक से रोशन है ये सारा जहां, एक ही दीपक जलाया आकाश में सारी दुनिया को, अंधेरे को मिटा दिया सूरज ने। लगाना भोग कुछ तुमको ये तेरा एक अपमान है, लगाना भोग कुछ तुमको ये तेरा मान तेरा है, अपमान कुछ तुमको ये अपमान तेरा है। सुनिए 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 सुनिए, थाली में रख लिया खीर पकौड़ी पकवान, हाथ ऐसे कर लिया, बस इतना ही भगवान को खिलाया जा रहा है, कचौड़ी अपने अंदर, खीर अपने पास, थाली में सब माल, खाली ऊपर ऊपर मंत्र बोल करके, इसका मतलब सीधा है भगवान को खीर नहीं मंत्र चाहिए, मंत्र मंत्र भोगता है वो, पदार्थ वो नहीं खाएगा, अगर वो पदार्थ खाएगा तो मलमूत्र जाना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा, और ये काम मंदिर वाला भगवान नहीं करता, कभी देखा नहीं हमने। लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान तेरा है, लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान तेरा है। दुनिया भर के लोग भूखे मर रहे हैं, दुनिया भर के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए फीस नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और फिर भी जिन्हें भगवान ने भेजा है दुनिया में उनकी सेवा नहीं है, और जिसे नहीं चाहिए उसकी कर रहे। लगाना भोग कुछ तुमको एक अपमान तेरा है, सुनिए तो सही आगे की लाइन, खिलाता है जो सारे जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं, खिलाता है जो सारे जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। सुनिए, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, किसी भगत ने लिखा, ये कोई बहुत सुधरा हुआ भगत इस गाने को गा रहा है, ऐसा समझ लो आप, जिसने समझ लिया वो ही इस गाने को लिखेगा, समझेगा सच्चाई क्या है। अगर तुम्हें भगवान तक भोग पहुंचाना है तो मुझसे आइडिया ले लो, मुझसे प्रोग्राम ले लो, प्लान ले लो, भगवान के मुंह में डालना है, भगवान को भोजन करवाना है तो गौ माता के मुंह में डालो हरा चारा, ढेप डालो, गुड़ खिलाओ, फिर सीधा जाएगा कन्हैया के मुंह में सीधा। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, सेवा मिला हूँ मैं, तू कोई ऐसी जिसे
मैं जिसे सेवा मिलाऊं मैं का नारियल ला के फोड़ दिया, हनुमान के सामने गंदा कर दिया मंदिर को, और ट्रक के ट्रक फल दे दे, अब ट्रेन में लोड करके ले जाऊं, इतना आशीर्वाद दे दे। यस्य मूलं गति च ध्रुवो यस्य प्रहलाद कृत्वा, ध्रुव की और प्रहलाद की ये छवि देख लो भैया। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद हरि भक्त